फ्रेंड्स, आज मैं आपको हाई पास फिल्टर बता रहा हूँ। हाई पास फिल्टर कहलाता है जिसमें हमें ट्यूटर लगता है। ट्यूटर लगने के लिए हमको हाई पास फिल्टर यूज़ करना पड़ता है। जो ट्यूटर के लेते हैं हम हाई पास फिल्टर यूज़ करते हैं। इस हाई पास फिल्टर में आइडियो इनपुट्स आएगा, ग्राउंड आएगा। आइडियो इनपुट्स में हमको एक कैपेसिटर लगा देना है। हमारा कैपेसिटर इस तरीके का होगा, आपको दिख पा रहा होगा। ये हमारा कैपेसिटर इस तरह ग्रीन होगा। इसमें वैल्यू लिखी रहती है, जैसे इसमें वैल्यू लिखी है 220 के, तो आप 102 के से आप लगा सकते हैं 104 के तक यहाँ वैल्यू कोई भी लगा सकते हैं। और रेजिस्टेंस आपको यहाँ से लेके ग्राउंड करना है। तो रेजिस्टेंस ग्राउंड करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 के से 10 के तक रहे। तो आपको जैसी वैल्यू आपको पसंद आ रही हो आपके ट्यूटर्स में, आप देख सकेंगे कि जैसी वैल्यू आपको ट्यूटर अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, उसी वैल्यू पर आप हाई पास फिल्टर्स की वैल्यू सेट कर लेंगे। 102 पिको फैराड से आप 104 पीएफ तक ले सकते हैं। ये नंबर होता है 102 और 104। तो 102 जैसे इसमें लिखा है 222, तो आप 222 ले सकते हैं। 102 से ऊपर है तो 102 से ऊपर आप वैल्यू ले सकते हैं, 104 तक वैल्यू ले सकते हैं। और ये बहुत अच्छा काम करेगा। मैंने इसमें खुद इसको बनाया है और मैंने सर्किट को टेस्ट किया है, ये अच्छा काम कर रहा है। आपको 1K से 10K तक कोई वैल्यू डाल देनी है ग्राउंड में। यहाँ से कैपेसिटेंस का आउटपुट यहाँ से ले लेना है, और फिर ग्राउंड यहाँ से ले लेना है आइडियो का।